बड़े और आपको बताएं कि खानेवार ईद उल अजहा की तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद शहरियों ने छुरियां और गदे तेज करने वाली दुकानों का रुख कर लिया है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे राव सदाम हुसैन से। जी सदाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल में। अगर बात की जाए ईद उल अजहा के हवाले से, तो शहरियों ने जो कपड़े जूतों की खरीदारी कर ली है और जो आखिरी मराहल हैं वो अब छुरियाँ बुगदे लेने के लिए शहरियों ने दुकानदारों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है और वो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल सर, आज कल हमने जो मुकम्मल शॉपिंग वगैरह कर ली है ईद उल अजहा के लिए, बाकी सर मैं इधर ये छुरी वगैरह और बुगदे वगैरह खरीदने के लिए आया हूँ। यहाँ पर इनके रेट सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी छुरी भी तकरीबन 500 से 600 की बताई जाती है। जो ये छुरी इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, इस छुरी का रेट भी कम से कम वो 1000 रुपये बता रहे हैं। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो महंगाई पर को कंट्रोल करें, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरी हुकूमत से एट लास्ट गुजारिश यही होगी कि हम महंगाई में जो पिसे हुए आवाम है उनके लिए कुछ करें और मेरे सामान ताकि आवाम अपनी कीमत के लिए खरीद सकें।